थोड़ी सी बाइंग शायद देखने को मिल रही हो। शुभलक्ष्मी मैम, चलिए हमारा अगला सवाल जोमैटो के बाद। जोमेटो के बाद मेरे पास है रिलायंस। रिलायंस को मैं एवरेज कर ली थी 2762 के भाव से, 20 शेयर है मेरे पास, हाँ, तो इसे मैं क्या करूँ, ये तो थोड़ा गिर गया। ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया है या ट्रेडिंग वेडिंग का मन था? हाँ, तब मैं लॉन्ग टर्म के ही लेती हूँ, माने हाँ, स्विंगटेड या शॉर्ट टर्म के लिए कुछ नहीं, माने माने उतना नहीं करती हूँ, तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट करती हूँ। तो फिर भाव बहुत ज्यादा स्क्रीन पे देखते रहते हो क्या रोज का, कहाँ जा रहा है क्या हो रहा नहीं है, नहीं 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 ऐसा कोई पैनिक इतना वैनिक नहीं रोज का नहीं देखती होता, हूँ, बस रीएसेस नहीं नहीं करते नहीं रहते हो इतना बीच नहीं बीच में, है देखती ना? बस। ठीक हाँ बात। हाँ सतपुर साहब, दिग्गज आ रही है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, 2762 की खरीद है, थोड़ा सा ऊपर से ठंडा पड़ गया है, क्या करूं? आशीष जी, मुझे लगता है कि देखिए, अगर एक फर्स्ट ऑफ ऑल अगर स्विंग ट्रेड उन्होंने लिया है तो इसका पहला रेजिस्टेंस आएगा 2950। नहीं, स्विंग नहीं तो लिए, 2000 बोले कोई ट्रेडिंग वेडिंग नहीं, हमने तो लंबी अवधि के लिए लिया हुआ था, बस ये हुआ कि अभी ऊपर से थोड़ा ठंडा हो गया है, तो ये सही है कि नहीं? भाव नहीं पे जी, लिया हुआ लंबी अवधि के लिए जानना चाहती हूँ वो। आशीष जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आप जब हाँ लंबी अवधि के लिए लेते हो हाँ तो ये 5500 रुपये मायने नहीं रखता, क्योंकि ये ऐसे काउंटर है कि ये बाजार के साथ लीड, बाजार को लीड करने वाले, गाइड करने वाले काउंटर है। तो मेरे हिसाब से एंट्री थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन काउंटर लुक्स गुड टू मी। मेरे हिसाब से इवेंचुअली ये 3000 का जो सप्लाई पॉइंट है इसका, ये भी निकाल देगा और इसमें भी स्ट्रेंथ आएगी, तो यस इट्स अ होल्ड फॉर मी। शुभलक्ष्मी, मैं एक बात पूछना तो मैं भूल ही गया, हाँ आप बोलिए। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? बंगाली? बंगाली पढ़ाते हो? हो, मैं और सतपुते साहब भी आएंगे किसी दिन आपके पास। नेहा हाँ, मैम, आइए। अगला सवाल आईटीडीसी के बाद कौन सा? एचडीएफसी लाइफ है मेरा, मैंने 500 शेयर लिया एचडीएफसी लाइफ के, जो मैंने अभी एवरेज में 620 होके रखा है मेरा। सो ये एचडीएफसी लाइफ, क्या करें सतपुते साहब, मजा नहीं आता जिनके पास है ये, और एएमसी दोनों ऐसे ही हैं, एचडीएफसी लाइफ क्या करना है, 55 रुपए का नुकसान हो रहा है मेरा। मुझे लगता है कि ये दिल जलाने वाला काउंटर है, बहुत लोगों के पास है। जब जब लेते हैं वो पहला नीचे आता है, ऊपर बाद में जाता है, पहला वो नीचे आता है। तो मेरे हिसाब से यस, काउंटर में वीकनेस ही है, बहुत बड़ी अपसाइड नहीं लगती। प्रोबेबली एक पुल बैक मिल सकता है 585 590 तक, लेकिन फॉर मी दिस इज आप कह सकते कि ये वीक ही काउंटर है। इनफैक्ट वीकली चार्ट बहुत ही ज्यादा खराब है, तो मैं थोड़ा सा इसे अवॉइड करने की चेष्टा करूंगा। देखिए, इंट्राडे स्विंग करते हैं हम, वो बात जुदा है, लेकिन अगर थोड़ा वक्त देना है, पोजिशनल रखना है, तो आई थिंक इट्स अ सेल ऑन राइज फॉर मी। अगर जैसे उछाल मिले आप इसमें से एग्जिट कर लीजिए। निकलिए इस स्टॉक से, मौके मिलेंगे निकलने की कोशिश करिए, ज्यादा लक को यहाँ पे स्ट्रेच ना ही करें तो बेहतर है। अनीता मैम, अगला यस, स्टॉक। मेरे पास सर प्रॉक्टर एंड गैमल है, 200 शेयर, 4950 के रेट पर। तो कौन सा? पीएनजी? पीएनजी हेल्थ एंड हाइजीन, कितने बार भाव वाला है हेल्थ वाला। पीएनजी हेल्थ? हाँ जी, सतपुर साहब क्या करना है भाई? 4950 की खरीद, 180-181 का पर शेयर, थोड़ा सा नुकसान। बने रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट देखते हो तो वीकली 200 वीक्स मूविंग एवरेज जो बनता है वो करीबन 4600, 4650, 4700 के रेंज में बनता है। तो अगर ये रेंज इंटैक्ट है तब तक मुझे लगता है नहीं कि यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है। हाँ, थोड़ा सा टाइम ओवरऑल अगर आप देखो, एफएमसीजी ही सेक्टर ही थोड़ा सा लगाड़ है, तो लीवर देखिए या आईटीसी देखिए, ब्रिटानिया देखिए, नेस्ले देखिए, थोड़ा थोड़ा लगाड़ ही चल रहा है। तो मुझे लगता है इसके चलते ये भी थोड़ा, पीएनजी प्रॉक्टर एंड गैम्बल भी थोड़ा सा स्लो है, लेकिन एंट्री अच्छी है, होल्ड करने में दिक्कत नहीं है। 5000 का पहला टारगेट आएगा, अगर 5000 निकले फिर बड़े टारगेट्स की बात करेंगे। ठीक, शुभ लक्ष्मी मैम, नेहा मैम, अनीता जी।